हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो मलेशिया का रिक्वायरमेंट है और विजिट टू वर्क परमिट का रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट इसमें कॉलिंग वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। पहला आपको विजिट में जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वहाँ पे जाने के बाद वर्क परमिट आपका लग जाएगा 100% गारंटी के साथ में, ठीक है। तो एयरपोर्ट लेबर के लिए 35 बंदे चाहिए, और एयरपोर्ट लेबर को मतलब कुछ भी काम वहाँ पे मिल सकता है। साफ सफाई का काम, बैग हैंडलिंग का काम, वॉचमैन का काम, कोई भी काम आपको जो है मिल सकता है। और साफ़ सफाई का जो है ज़्यादा आपको साफ़ सफाई में डाला जाएगा, और इस वीडियो में जैसा काम हो रहा है सेम टू सेम ऐसे ही काम जो है आपको करना है। मलेशिया के अंदर में, ठीक है। और 2400 घंटा जो है वहाँ पे काम चालू रहती है, तो दो शिफ्ट है इसमें, दिन में भी हो सकता है और नाइट शिफ्ट भी हो सकता है। लेकिन साफ़ सफाई का काम कैसा है, 12 घंटे का ड्यूटी है, तो ऑल टाइम जो है साफ़ सफाई नहीं होती है, लेकिन 12 घंटा जो है ड्यूटी में ही आपको रहना पड़ता है। एक घंटा दो घंटा साफ़ सफाई हो गया, आराम करो या कोई दूसरा काम है वो करो। मतलब एयरपोर्ट के अंदर भाई हज़ारों काम है, कुछ भी काम आपको दिया जा सकता है 12 घंटे के अंदर। अगर आप बोलोगे कि दो घंटे में मेरी साफ़ सफाई का काम हो गया, मैं बैठूँगा, तो वहाँ का जो सुपरवाइज़र है वो आपको गाइड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, 85 रिंगट पर डे का मिलेगा आपको 12 घंटे का। साइड इनकम अगर कुछ हो गया तो आपको मिलेगा। आप साइड इनकम कैसे करना है वो आपको सोचना है, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर में साइड इनकम होता ही होता है। तो वो गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ जो है आप अपने हिसाब से कमा सकते हैं वहाँ पे, ओके। 85 रिंगट के हिसाब से मंथली का जो है 2500-2600 रिंगट होती है, और 2500 रिंगट का बहुत अच्छा सैलरी बन जाती है आपको, 48-49,000 इंडियन रुपीज़, ठीक है। उसके बाद साइड इनकम क्या होती है वो सब मिला जुला करके अच्छा खासा सैलरी आपका बन जाएगा, ओके। और 11 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी है, लंच ब्रेक जो है इसी में रहेगा, एक दो घंटा जो भी मिलता है 12 घंटे में ही रहेगा आपका, ठीक है। संडे जो है ऑफ है इसमें, और मंथली में चार छुट्टी रहेंगे आपको, चार छुट्टी में भी करते हैं तो उस पैसा आपको अलग से दिया जाएगा। वहाँ जाने के बाद विजिट में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद वर्क परमिट लग जाएगा आपका। और कंपनी जो है आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारा चीज़ जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। किचन फैसिलिटीज़ भी आपको दिया जाएगा, खाना बना के भी खा सकते हैं और होटल में भी खा सकते हैं, या एयरपोर्ट के अंदर खाना मिल जाती है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, अनपढ़ भी बंदा चल सकता है, पढ़ा लिखा भी बंदा चल सकता है। मुझे 35 बंदों की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर इस जॉब में आप जाना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सकता है 1 PDF में अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, या ऑफिस आ जाइए अगर मुंबई में है तो, नॉर्मल मेडिकल कहीं से भी कर सकते हैं आप। और 1,20,000 रुपये इसमें खर्चा है,
और 1,20,000 में आपको जो है 1 रुपया भी साइड में किधर भी खर्चा नहीं करने की ज़रूरत है। वो सारा चीज़ यहाँ से लेकर के मलेशिया तक हमारी ज़िम्मेदारी है, जो आप दिलाने का हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको काम नहीं मिलता है या पैसे नहीं मिलती है तो आप कभी भी मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। वो अगर आप वापस भी आते हैं तो उसकी भी ज़िम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.